अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ रिवो 2.8 वी ऑटोमेटिक का। इसमें चार मॉडल आती हैं, एक ई मैनुअल, एक रिवो जी 2.8 पैकेज मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। रिव्यू के एंड तक देखिएगा, एंड पे मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गाड़ी की फ्रंट साइड से मैं स्टार्ट करूं तो इसके अंदर हमें हेडलाइट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन में एक DRL लाइट्स दी गई हैं। इंडिकेटर भी फ्रंट हेडलाइट में फिट किया है। सामने क्रोम की फिनिशिंग में हमें फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिसके अंदर क्रोम में इन्होंने टोयोटा का लोगो फिट किया है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में इसकी जो फ्रंट लाइट है वो दी गई है। नीचे फॉग लैम्प्स की ऑप्शन भी हमें मिल जाती है। बहुत एग्रेसिव डिज़ाइन है इसका फ्रंट साइड से। नीचे एयर इनटेक की विंड्स, बाकी ओवरऑल ये खूबसूरत इन्होंने शेप इसमें प्रोवाइड की है। अब इस गाड़ी के टायर के ऊपर बात करूं तो एक खूबसूरत डिज़ाइन में इसमें डनलप का टायर इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर अलॉयज भी दिए गए हैं। अलॉयज की जो क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड की है और खूबसूरत डिज़ाइन में अलॉयज प्रोवाइड की हैं। बाकी जो टायर्स की लेंथ और विड्थ है वो 265/60 R18 का टायर इसमें यूज़ किया गया है। 18 इंच का इसमें रिम इन्होंने प्रोवाइड किया है। ओवरऑल एक अच्छी ग्रिप ये टायर प्रोवाइड करता है, ऑफ रोड पर भी और लोकल जो रोड है उस पर भी। अब बैक साइड के ऊपर पर आएँ तो रिवो में वही सेम लाइट्स, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की गई है जो वीगो में दी गई थी। खूबसूरत डिज़ाइन में इसमें बैक लाइट्स दी गई हैं, जिसके साथ पीछे क्रूस्टोनिक और टोयोटा की लेबलिंग की गई है। नीचे एक स्टेप रखने के लिए रिवो के जो बैक साइड पर डाला है, उसके अंदर चढ़ने के लिए कोई लगेज वगैरह रखने के लिए इन्होंने स्पेस दी है। यहाँ पीछे बैक साइड पर क्रोम का इन्होंने हैंडल दिया है। एक कैमरा फिट किया है बैक साइड पर। रियर जो बैक लैम्प है वो भी इन्होंने बैक पर प्रोवाइड किया है। ओवरऑल बड़ी खूबसूरत लुक बैक से इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब रिवो की साइड लुक के ऊपर बात करूं तो एक खूबसूरत इसकी साइड लुक इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसके साथ साथ जो साइड मिरर्स हैं वो क्रोम में दिए हैं। उनके अंदर इंडिकेटर का LED इंडिकेटर फिट किए गए हैं। क्रोम में इन्होंने डोर हैंडल्स दिए गए हैं। कीलेस एंट्री इन्होंने इसके डाले में प्रोवाइड की है। ओवरऑल एक खूबसूरत इन्होंने साइड शेप इसमें प्रोवाइड की है। बहुत स्पोर्ट्स ये लुक प्रोवाइड करता है। नीचे डोर्स के हमें स्टेप रखने के लिए इन्होंने पूरी ये बार प्रोवाइड की है। बाकी बहुत ओवर डिज़ाइन नहीं किया इसको, साइड से सिंपल इसकी लुक है। गाड़ी में कीलेस एंट्री मौजूद है, जिसके साथ साथ इंटीरियर के ऊपर बात करूं तो एक खूबसूरत डिज़ाइन में सिल्वर की ट्रिमिंग इन्होंने ऐड की है डोर पे। और जो डोर हैंडल है अनलॉकिंग के लिए अंदर की तरफ से, वो इन्होंने क्रोम में दिया है। बाकी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, रिट्रैक्टर पे मिरर्स, मिरर एडजस्टमेंट के कंट्रोल, बीच में लेदर का यूज़ किया गया है। नीचे एक रिफ्लेक्टर दिया है, जिसके साथ साथ एक कप होल्डर इन्होंने प्रोवाइड किया है। और खूबसूरत डिज़ाइन में इसमें एक स्पीकर इन्होंने फ्रंट डोर पे ऐड किया है। ओवरऑल एक अच्छी इन्होंने क्वालिटी फ्रंट डोर पे यूज़ की है। रिवो की फ्रंट ड्राइवर सीट पे हमें हाइट एडजस्टमेंट और लेंथ एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके साथ साथ अच्छी ऑप्शन ये है कि हमें इसमें लेदर सीट्स कंपनी ने प्रोवाइड की हैं, जिसका जो कलर है, स्टफ़ है, बहुत अच्छा स्टफ़ इन्होंने यूज़ किया है। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आप अपनी स्क्रीन में देख सकती हैं। राइट साइड पे हमें फ्यूल ओपनर, ट्रंक ओपनर और साथ साथ पुश स्टार्ट का बटन प्रोवाइड किया है। एक खूबसूरत इन्होंने क्रोम की ट्रिमिंग इसके इंटीरियर में ऐड की है। साइड पे एक AC विंड दिया गया है। नीचे इन्होंने बटन्स की ऑप्शन दे दी है, लेकिन बटन कोई भी फिट नहीं किया यहाँ पे। ओवरऑल जो इसका स्टीयरिंग है, उसकी लुक अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक खूबसूरत स्टाइल में इसका स्टीयरिंग ऐड किया है, जिसके अंदर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए हैं। राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल वगैरह। मीटर के अंदर बात करूं तो स्पीडोमीटर, RPM मीटर, फ्यूल गेज और साथ साथ जो डोर ओपनर है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो शो रही होती हैं। बीच में मल्टीमीडिया स्क्रीन ऐड की है, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में इसकी स्क्रीन ऐड की है। साइड पे पैसेंजर्स का एक एयर बैग इन्होंने लेफ्ट साइड के पैसेंजर के लिए ऐड किया है। ऊपर हैजर्ड बटन और साथ दो AC विंड फ्रंट साइड के लिए। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ साथ जिसके दो कप होल्डर इन्होंने बीच में प्रोवाइड किए हैं। साथ साथ इसके दो इन्होंने मोड के जो बटन है वो इधर प्रोवाइड किए हैं, इको मोड और पावर मोड। बीच में गेयर बॉक्स है, साथ साथ थोड़ी सी इन्होंने स्पेस प्रोवाइड की है कोई भी अपनी लगेज वगैरह रखने के लिए। साथ साथ पीछे आर्म रेस्ट है, जिसके अंदर एक अच्छी इन्होंने कैपेसिटी प्रोवाइड किया है। एक इन्होंने सॉकेट भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पे अपना कोई हम चार्जर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर के अंदर इन्होंने टोटली लेदर का यूज़ किया है, बहुत अच्छा स्टफ इन्होंने यूज़ किया है। ऊपर इन्होंने ग्लासेस होल्डर भी प्रोवाइड किया है इस गाड़ी में, साथ साथ दो लाइट्स प्रोवाइड की हैं। सनरूफ इसमें मिसिंग है, जो कि होना चाहिए था। साथ साथ जो ड्राइविंग साइड वाला सन शेड है, उसकी भी आप क्वालिटी देख सकती हैं। डैशबोर्ड के नीचे अच्छी इन्होंने स्पेस प्रोवाइड की है, ऊपर भी एक इन्होंने स्पेस प्रोवाइड किया डैशबोर्ड के अंदर। ओवरऑल एक अच्छा इन्होंने स्टफ टोटली यूज़ किया है। फ्रंट साइड पे हैंड रेस्ट राइट साइड पे भी दिया गया है और लेफ्ट साइड पे भी।
ओवरऑल जितने भी बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो इस गाड़ी में मौजूद हैं। अब बैक साइड के ऊपर डोर के ऊपर बात करूँ तो वही लेदर का यूज़ बैक साइड पे भी किया गया है। एक इन्होंने पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर, साथ थोड़ी सी स्पेस दी अपनी कोई भी चीज़ वगैरह रखने के लिए, और एक स्पीकर इन्होंने बैक साइड के डोर पे भी फिट किया है। वही सिल्वर ट्रिमिंग बैक साइड पे भी इन्होंने प्रोवाइड की है। ओवरऑल जो स्टफ है वो आपको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। अब बैक सीट्स के ऊपर बात कीजिए तो बैक साइड पे भी इन्होंने लेदर सीट्स प्रोवाइड की हैं, जिसके साथ साथ तीन हेडरेस्ट और तीन इन्होंने सीट बेल्ट बैक साइड पे प्रोवाइड की हैं। बीच में इन्होंने आर्म रेस्ट भी दिया है बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए, और हैंड रेस्ट भी है बैक साइड पे। ओवरऑल एक सारी ऑप्शन इन्होंने बैक साइड पे भी प्रोवाइड की हैं। नीचे दो एसी विंड्स भी इन्होंने बैक पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड की हैं, लेकिन इसके साथ नीचे कोई इन्होंने सॉकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं की। ऊपर एक लाइट प्रोवाइड की है। ओवरऑल जो स्टफ है रूफ़ का वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकती हैं। बैक साइड पे रिवो के इन्होंने बहुत लंबी और ज़्यादा स्पेस दी है, जहाँ पे हम कोई भी अपना लगेज वगैरह, कोई हैवी लगेज भी हम स्टोर कर सकती हैं। रिवो पहले भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब इन्होंने और इसको मजीद कर दिया है। इसकी ऑफ रोडिंग स्किल्स और इनका इंटीरियर जो भी है सारा इसको बहुत इंक्रीज़ कर दिया है। और वैसे भी हाईलाइट्स के साथ की कोई भी ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब इसके इंजन के ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर DOHC 16 वाल्व का इंजन यूज़ किया गया। ओवरऑल जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 2755 cc डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम पावर ये 175 वाट्स प्रोड्यूस करता है। अब लास्ट पे गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करूँगा तो ओवरऑल इसकी टोटल प्राइस 74,99,000 है। आपको कैसा लगा रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।